उसका लेंथ है टेन सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे उसको हमने रखा है मिरर का फोकल लेंथ दिया है रॉड का जो क्लोजर एंड है पोल जो क्लोजर एंड है उसका डिस्टेंस मिरर से सेंटीमीटर है हमें इमेज का लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की इन द क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा तो पहले उसके लिए हम क्या करते हैं कॉन्केव मिरर बनाते हैं सपोज ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है तो इसकी जो आउटसाइड होगी ये वाली साइड होगी वो क्या होगी पॉलिश्ड होगी अब इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है पोल पी होता है यहाँ पे क्या होता है पोल और इसके हम इसका जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं इस तरीके से अब इस पे रॉड रखा हुआ है इस तरीके से ये हमने क्या रख दिया रॉड रख दिया ये वाले एंड को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट एंड कंसिडर कर लेते हैं जो कि जो एंड जो है वो मिरर के क्लोजर है इस एंड का मिरर से डिस्टेंस जो है वो हमें कितना दिया है ट्वेंटी सेंटीमीटर दिया है रॉड का जो लेंथ है वो हमें कितना दिया है टेन सेंटीमीटर दिया है तो अगर हम सेकेंड एंड की बात करेंगे तो सेकेंड एंड का जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितना हो जाएगा ट्वेंटी प्लस टेन दैट इज थर्टी सेंटीमीटर हो जाएगा तो हमें क्या करना है इमेज का लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ एफ का जो वैल्यू है वो हमें टेन सेंटीमीटर दिया है तो टेन सेंटीमीटर हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंसर के लिए हम फोकल लेंथ लेंथ नेगेटिव लेते हैं क्योंकि फोकल को इस डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे और इंसिडेंट रेज किस डायरेक्शन में होंगी इस डायरेक्शन में होंगी ऑपोजिट डिस्टेंस टू अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन टू इंसिडेंट रेज मेजर करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा सिमिलरली यू का वैल्यू जो होगा हमारे पास वो हम क्या कंसिडर करेंगे नेगेटिव कंसिडर करेंगे यू रिप्रेजेंट हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमारे पास तो इसमें हम अप्लाई क्या करेंगे मिरर इक्वेशन अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला तो मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ होता है हमारे पास v जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता होता है इमेज डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है अब हम क्या करेंगे पहले फर्स्ट का इमेज देखेंट कर देंगे क्या रहेगा टेन सेंटीमीटर रहेगा तो हम पहले फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं अब इसमें जो इमेज का डिस्टेंस है वो हम फर्स्ट एंड का कितना है हमारे पास वन के लिए ट्वेंटी सेंटीमीटर है तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर तो फॉर्मूला क्या था टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू लिख सकते हैं हम तो इसमें वैल्यू सब्स्यूट कर दो हमारे पास क्या आ जाएगा वन अपॉन वी इज इक्वल्स टू एफ की जगह पे वन अपॉन माइनस का टेन आ गया ये

अब यहाँ पे जो हम फर्स्ट केस की कंसिडर कर ले हैं, बात तो यू वन एंड वी वन कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ पे वी वन एंड यू वन आ जाएगा यहाँ पे v1 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 वी वन और यहाँ पे वी वन आ गया तो फर्स्ट एंड के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो इमेज होगा वो इस तरफ बनेगा अब सेकंड एंड की बात करती है सेकेंड एंड का जो डिस्टेंस है वो कितना है थर्टी सेंटीमीटर तो इस केस में हम क्या करेंगे u2 को माइनस थर्टी सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे जैसे यहाँ पे हमने u1 को क्या कंसिडर किया माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर अब हम सेकेंड केस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास यू का वैल्यू सेकंड एंड का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा

तो ये क्या बन गया 1 upon v2 तो so, से हमारे पास v2 का क्या वैल्यू आ गया इट इज इक्वल टू माइनस थर्टी बाय टू विच मीन्स द इमेज डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड एंड इज फिफ्टीन सेंटीमीटर अगेन नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट साइन कन्वेंशन तो फिफ्टीन सेंटीमीटर आ गया अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड के लिए जो इमेज बना वो कितना दूर था mirror से? 20 दूर था था। से? सेंटीमीटर इसको हम positive consider कर लेते हैं, क्योंकि okay, तो represent करते है किस में image बना। तो किस में बना। v2 जो है, वो क्या हो गया? हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो गया तो दोनों एंड का जो इमेज है उनका उनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है और L वी कैन से लेंथ ऑफ इमेज तो 20 सेंटीमीटर माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर तो लेंथ ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास कितना आ गया एल इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा तो फाइनल आंसर कितना आया 5 सेंटीमीटर तो गिवन ऑप्शन में से डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक्स